आज बात करने वाले हैं रियलिज्म से हटकर कुछ और तरीके के पोर्ट्रेट कैसे ड्रॉ किए जा सकते हैं, और ड्रॉ करेंगे इनको, ठीक है। तो इनको हम कैसे एक डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट अप्रोच से कैसे पहुंच सकते हैं, जैसे इम्प्रेशनिज्म में आर्ट वर्क किया जाता है, जैसे पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में किया जाता है, तो वो हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। पैचेस को क्रिएट करेंगे, यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स सॉफ्ट पेस्टल्स को, और देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आएंगे इन सॉफ्ट पेस्टल्स को यूज़ करके। तो चलिए इसकी एक अच्छी सी शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को है इसमें, क्योंकि हम हमेशा रियलिज्म पे बातें करते रहते हैं, बट जो इसका अप्रोच है, जो इसका वे ऑफ ड्राइंग है, वो बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज इसको सीखते हैं कैसे इसको करना है। चलिए तो अब हम आ गए स्टूडियो में, और इसको कैसे ड्रॉ करना है वो हम आज सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो जो मटेरियल मैं यूज़ करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये है आर्ट अगेन स्ट्रैथमोर का पेपर, जो कि पेस्टल पेपर है। दूसरा ये है सॉफ्ट पेस्टल्स जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मुंगियो गैलरी ब्रांड के हैं, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा, ताकि आप लोग को अगर परचेज़ करना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या आपको रिव्यू करना हो तो भी आप देख सकते हैं। तो अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, और बिल्कुल ही वेग तरीका, मतलब कि आप जैसे देखिए रियल इमेज को देखिए जो मैंने साइड में लगाया है, और एकदम रफ़ तरीके से शुरू कर रहा हूँ। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल खिलवाड़ ही हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आइडिया नहीं लिया जा रहा है कि कहाँ पे क्या है। अभी फ़िलहाल में बस मैं आँखों को स्क्वीज़ कर रहा हूँ, मतलब आँखों को दबा रहा हूँ अपनी खुद की, और बस ये देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ डार्कर वैल्यूज़ हैं, ब्राउन वैल्यूज़ हैं। और मेरा एम यहाँ पे रियलिज्म या रिसेम्बलेंस का तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने उससे एक लाइटर शेड्स की वैल्यू को ऑप्ट किया, ठीक है, जो सबसे डार्केस्ट था, मतलब ब्राउन। ब्राउन के बाद अभी मैंने ब्लैक को नहीं इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ब्लैक को हम इनिशियली नहीं इंट्रोड्यूस करते कभी भी, हालांकि सबसे डार्केस्ट ब्लैक ही होता है, लेकिन ब्लैक को हम उसके बाद यूज़ करते हैं। तो मैंने अभी देखे दो टोन यूज़ किया, अब मैं यहाँ पे तीसरी टोन पे, तीसरी लेयर पे ब्लैक को यूज़ कर रहा हूँ। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि ब्लैक को आप फर्स्ट प्रिलिमिनरी लेयर नहीं ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है, वो पेपर को के ऊपर अपनी निशान छोड़ जाता है और उसको नहीं हटा सकते आप। इसीलिए प्रिलिमिनरी बेस लेयर थोड़े से उससे लाइटर शेड्स के होने चाहिए, जैसे ब्राउन हो सकता है, बर्ड अम्बर हो सकता है। और अब इसके बाद अभी देखिए कितना रफ है ये, कितना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई बच्चा ड्रॉ कर रहा है किसी पेपर के ऊपर। इसमें सच कोई भी अभी नहीं दिख रही ऐसी चीज़ की जो कि बहुत आपको रिफाइन नज़र आने वाला है, बट यही खूबी है इस तरीके के अप्रोच की, इस तरीके की जब हमारा एम भी यहाँ पे इम्प्रेशनिज्म पे है, हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, या बिल्कुल जिसमें रिसेम्बलेंस मैच हो, बिल्कुल रफ आइडिया। अब उससे एक और लाइटर टोन मैंने पकड़ी है, जो कि टेराकोटा कलर है, और जो सबसे लाइटेस्ट कलर्स हैं उसको मैं अभी बिल्कुल छोड़ दिया हूँ, जहाँ पे देखिए अब जहाँ पे वाइट आने वाला है रियल इमेज में, उन जगहों को मैंने एज इट इज़ छोड़ा हुआ है अभी। अब यहाँ पे मैं फिर और एक और लाइटर टोन पे जा रहा हूँ। तो फंडामेंटल क्या था, सबसे डार्केस्ट, फिर उससे लाइटर, फिर उससे लाइटर, और फिर सबसे लाइटेस्ट कलर जो कि वाइट होता है वो सबसे एंड पे रखने की कोशिश करते हैं। तो अभी भी देखिए मैं कुछ भी यहाँ पे अभी नहीं समझ में आने वाला आपको कि क्या बन रहा है एक्चुअली, और क्या रियल इमेज है। आप देखिए कितना डिफरेंस है, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि रिसेम्बलेंस को निकालने की, और एम ये रहेगा कि एक इम्प्रेशनलिस्टिक अप्रोच को लाया जाए, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू को। अच्छा, आप बात करते हैं थोड़ा सा इम्प्रेशनिज्म के भी ऊपर, एक्चुअली क्या है, लाइट वैल्यूज़ को ऑप्ट करना, इट्स बेसिकली जो अगर मोटा मोटा अगर किसी को बेसिकली आपको समझाना है इम्प्रेशनिज्म है क्या, तो जो लाइट्स की वैल्यू को ऑप्ट करना, जो सबसे जहाँ पर लाइट नज़र आ रहा हो और शेड्स को ऑप्ट करना, वो ही बेसिकली इम्प्रेशनिज्म है। जैसे कि जो शुरू में जब आर्टिस्ट ने इसको किया तो सीनरीज ड्रॉ करते थे, तो उसमें जो लाइटेस्ट टोन होती थी, जैसे कि सपोज वो एक सीनरी ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें रिवर है नीचे और ऊपर से सन है, तो जो लाइट्स का रिफ्लेक्शन पड़ रहा होता था रिवर के ऊपर, उस पर जो स्ट्रोक्स डेवलप करते थे वो वाइट लाइन से, हाईलाइट से, वो ऐसा होना चाहिए था कि जिसमें अपन ये रिफ्लेक्ट कर सकें कि लाइटर टोन्स की वजह से उस पोर्ट्रेट को एक अलग लेवल तक ले जा सके। और यहाँ पे मेरा भी ऐसा ही कुछ ना कुछ एम रहेगा, नॉट एग्जैक्टली दैट वे, बट सम हाउ वी ऑल्सो ट्राई टू डू सच थिंग्स एज वेल। अब देखिए ग्रीन भी बहुत जगहों पे यूज़ हो रहा है, इसमें आप जितने ज़्यादा मल्टीपल कलर्स को यूज़ करेंगे, जितने ज़्यादा वेरिएंट ऑफ कलर को यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। और अभी देखिए मैंने कुछ भी स्मज नहीं किया है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है,
जितना कम स्मज करेंगे उतना ही बेहतर बनेगा। तो कम से कम स्मजिंग कीजिए, केवल वहाँ स्मजिंग कीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज है कि यहाँ पे आपको चाहिए चाहिए स्मजिंग थोड़ा सा रिसेम्बलेंस लाने के लिए। अदरवाइज आप पैचेस में काम करना शुरू कीजिए। आपने देखा होगा विंसेंट वैन गॉग का आर्ट वर्क, उसमें क्या है, ब्रशेस की स्ट्रोक्स के थ्रू पोर्ट्रेट निकाला गया है, स्ट्रोक्स को मिक्स नहीं किया, मर्ज नहीं किया है, रियलिज्म नहीं अचीव किया है, बट वो आर्ट वर्क आज के टाइम पे कहाँ पे है आप खुद सोच सकते हैं। विंसेंट वैन गॉग आप डाल के देखिएगा इंटरनेट पे, आपको क्या दिखेगा। तो यही बात है कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप रियलिज्म के पीछे हम लोग कितना भागते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि रियलिज्म अचीव करना है, रियलिज्म से ही अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे, ऐसे बहुत सारे मिथ हैं, जबकि है इसका बिल्कुल उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा है। क्योंकि जो बस ज़्यादातर सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं जिन्होंने खुद से सीखी आर्ट वर्क, वो ये सोचते हैं, या फिर जो कि अभी बिगिन कर रहे हैं या फिर जो लेमैन हैं उनको ये लगता है कि जितना रियलिस्टिक आप बना सकोगे उतने ही आप अच्छे आर्टिस्ट के काम में काउंट होगे। लेकिन जो एकेडमिकली जो बात है, जो पे कॉलेजेस में जो बताई जाती हैं चीज़ें, वहाँ पे बिल्कुल इसका रिवर्स होता है कि जितना आप अपना स्टाइल डेवलप कर पाओगे, जितना आप अपना तरीका नया इवॉल्व कर पाओगे पोर्ट्रेट ड्रॉ करने का या कुछ भी वॉट एवर इट इज़ की सीनरी ड्रॉ करने का, उतने ही आप बेहतर आर्टिस्ट बन पाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना ओन स्टाइल डेवलप करना। ये नहीं कि आप रियलिज्म पे काम कर दें तो रियलिज्म आपका स्टाइल हो गया, नहीं, क्योंकि वो स्टाइल आपका नहीं है, वो बना हुआ है पहले से, आप बस उसको उस स्टाइल को फॉलो कर रहे हो। अपना खुद का स्टाइल जनरेट करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, आपको सारे अप्रोच सीखने पड़ेंगे, चाहे इम्प्रेशनिज्म हो, चाहे पोस्ट इम्प्रेशनिज्म हो, चाहे सररियलिज्म हो, इन सबको आपको जानना पड़ेगा, चाहे रेनेसा पीरियड के टाइम के आर्ट वर्क हो, वो सब आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप करेंगे कैसे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले सीखिए फिर करिए। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ को मेजर किया, देखा मैंने कि वाकई ये मेरा जो फेस है पूरा का पूरा प्रपोर्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस इतना ही मेजरमेंट का काम होता है इसमें, कि आपको ये देखना होता है हाइट एंड विड्थ आपकी सही है कि नहीं, अदर देन दैट बाकी सारी चीज़ें देखिए अपने आप धीरे धीरे पेपर के ऊपर इवॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड अप भी नहीं किया है इसको, इसीलिए ताकि आप एक एक चीज़ को समझ पाएँ, एक एक स्ट्रोक्स को समझ पाएँ। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि जब भी आप इस टाइप के पोर्ट्रेट्स करते हैं तो आप ये ज़रूर सोचिएगा कि आप बहुत चुने हुए आर्टिस्ट में से एक हैं जो कि ये सोच रहा है इस डायरेक्शन, क्योंकि ये सोच लेना ही अपने आप में ये है कि आपने कुछ अच्छा आज थॉट आया आपके दिमाग में, भले ही आप उस पर कितना काम करेंगे आगे जाके, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आपने उस डायरेक्शन में सोचना शुरू किया है, वो ही सबसे बड़ा अचीवमेंट होना चाहिए आपके लिए। तो अभी देखिए मैं जैसे बैकग्राउंड को कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में थोड़ी सी वैल्यूज़ को समझ कर रहा हूँ, और वो हालांकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इम्प्रेशनिज्म मतलब आपको इम्प्रेशन क्रिएट करने पड़ेंगे, ऐसे इम्प्रेशंस लाने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप ये सोच सकें कि कैसे मैं पोर्ट्रेट को एक सर्टेन लेवल तक लेके जाऊँ। अब देखिए मैं आईज में आ रहा हूँ धीरे धीरे, जो डार्क टोन्स थे, डार्क एरियाज थे, अब यहाँ देखिए मैं ब्लॉक से ही आई के शेप को क्रिएट कर रहा हूँ। ये अगेन एक बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, क्योंकि ब्लॉक्स काफ़ी थिक हैं, आप देख पा रहे होंगे, पेंसिल के जैसा शेप नहीं होता उनका जिसमें आप बहुत आसानी के साथ वैल्यूज़ निकाल सकें। ब्लॉक्स के ही थ्रू मैं कर रहा हूँ, वाइट भी ब्लॉक यूज़ कर रहा हूँ और साथ में चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो कि आइडेंटिफाई कर रही है, डिफाइन कर रही है कि डार्क वैल्यूज़ कहाँ हैं। अगर आपके पास चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप डायरेक्ट ब्लॉक को भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा ब्लॉक को आगे से शार्प करना पड़ेगा कि थोड़ा सा, ताकि आप उसकी जो निडल है जो या टिप है उसको आप यूज़ कर सकें। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि फर्दर, जैसे मैं लिप्स वगैरह पे तो मेरे अभी इतना ध्यान ही नहीं है, और देख भी रहे होंगे आपकी बिल्कुल वैल्यूज़ कहीं की कहीं जा रही हैं, है ना, बट यही तो इसका एंजॉयमेंट है, यही इसका मज़ा है। जितना ज़्यादा आप ब्लॉक्स के पैचेस को क्रिएट करोगे, जितना ज़्यादा आप ब्लॉक्स के क्या बोलूँ, ब्लॉक्स के इम्प्रेशन को पेपर पे ला पाओगे, उतना ही ज़्यादा आप इम्प्रेशनिज्म में एक्टिविटी वाइज काम कर पाओगे, एक्टिवली काम कर पाओगे। देखिए कुछ हद तक आप यहाँ पे रिसेम्बलेंस नज़र आ रहा है पोर्ट्रेट का, एग्जैक्ट वे में तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ जगहों पे आ रहा है, और कुछ जगहों पे मैं वाइट चारकोल पेंसिल को भी यूज़ कर रहा हूँ। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड है, यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन नहीं है तो फिर क्या करना है, मैंने आपको बताया है, वही सॉफ्ट पेंसिल ब्लॉक के छोटे से पीस कर सकते हैं आप, या उसको आगे से शार्प कर सकते हैं। या फिर आप जो उसको शार्प करने के लिए कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हो वो तरीका, आप सैंड पेपर को यूज़ कर सकते हैं उसको शार्प करने के लिए, वो भी यूज़ करते हैं कई सारे आर्टिस्ट। तो अभी देखिए कैसे मैं धीरे 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 रियल इमेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं चाह भी नहीं रहा हूँ कि बिल्कुल वैसा का वैसा बन जाए। बस एम ये है कि पोर्ट्रेट ऐसा बने जो कि उनकी पर्सनैलिटी को, जो मैं सेलिब्रिटी बना रहा हूँ पंकज त्रिपाठी जी की पर्सनैलिटी को, रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, बस इतना ही एम है। ये एम बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जैक्ट ड्रॉ करना है, और ना ही ये एम होना चाहिए जब खासकर इस टाइप के पोर्ट्रेट्स आप कर रहे हो जिसमें आप अलग अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, अलग बिगिनिंग आपने अलग तरीके से की है, तो वहाँ पे डेफिनेटली इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हो सकता हो कुछ लोगों को ये बातें ऐसे लगें कि बहुत थ्योरेटिकल है, या फिर जो कुछ लोगों को ऐसा लगे कि ये शायद उनके लिए नहीं है, लेकिन मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ कि जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हुए हैं उनको ये टेक्निक सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। इवन जो आर्ट लवर्स हैं उनको भी ये जो फाइनल प्रोडक्ट है इसका, आप देखेंगे जब आप फाइनल जब ये तैयार होगा वो बहुत पसंद आता है, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है आपको इस टाइप के आर्ट वर्क के स्टाइल को क्रिएट करने में। सिमिलरली आप चाहें तो कुछ चीज़ों को रफ भी छोड़ सकते हैं। मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो एक एक वैल्यू को फिनिश नहीं करते, जैसे ईयर हो गया या फिर हेयर हो गए या फिर और कोई चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा फिनिश नहीं करते, बस एक दो फीचर को पकड़ के चलते हैं और उसको बिल्कुल अल्टीमेट फिनिश करते हैं, बाकी सारी चीज़ों को वो इतना फिनिश नहीं करते। अब देखिए इसमें अगर मेरे को 60-70% भी रिसेम्बलेंस मिल रहा है रियल इमेज से तो मेरे लिए मोर देन इनफ है, मतलब ज़्यादा ही है इनफैक्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को भी पकड़ के चलना है आपको कि आपको ये नहीं है एम रखना है कि मुझे एकदम एग्जैक्ट रिसेम्बलेंस चाहिए, बस ये होना चाहिए कि जो आपने तैयार किया है, जो आपने फाइनल जो आपका प्रोडक्ट है पोर्ट्रेट है उसको देख के कोई ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये वही सेलिब्रिटी है। ठीक है, तो वो दैट्स इनफ। एकदम ये नहीं रखना कि जैसे हम रियलिज्म में क्या करते हैं या हाइपरियलिज्म में क्या करते हैं, तो साइड बाय साइड रख देते हैं कि रियल इमेज को साइड में रख के इधर अपनी ड्राइंग को दिखाते हैं और दिखाते हैं देखिए ये ड्राइंग है ये फोटो है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इन दिस काइंड ऑफ आर्ट वर्क, दिस दिस हैज़ टू बी डील्ड इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसे, जैसे मैं वाइट हाईलाइट्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और अब ये मेन काम अब यहाँ शुरू हो रहा है। मैंने भी इनफैक्ट ज़्यादा ही स्मच कर दिया है अभी, मुझे जो मुझे लर्निंग मिल रही है, मैं भी चाहता था कि और थोड़ा सा रफ होना चाहिए था, थोड़ा सा और इसको रफ रखा जा सकता था, बट मुझे ठीक है जितने भी रिजल्ट्स अभी मिल रहे हैं मुझे सही लग रहा है। और तो अभी इसको इतने बार ही रखते हैं और इसको रिव्यू करते हैं, अभी साथ के साथ मैं इसको रिव्यू करता हूँ, वापस चलते हैं क्लास में। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये आर्ट का वीडियो और ट्यूटोरियल, कैसा लगा इसका ज़रूर बताइएगा मुझे, आर्ट स्टाइल कैसा लगा, क्योंकि मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि ये आर्ट स्टाइल को भी हम अपने ट्यूटोरियल्स में डालें ताकि लोग और भी चीज़ों को सीख पाएँ, ना कि खाली एक रियलिज्म के पीछे पड़ रहे हैं। अब इसमें ये भी होता है कि रिजल्ट्स जो होते हैं वो 100% रिजल्ट्स को अचीव करने का एम नहीं होता है, यहाँ पे एम होता है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रोक्स को दिखा सकते हैं अपने पेस्टल्स के ब्लॉक्स के थ्रू, जो आप स्ट्रोक्स ब्लॉक्स के स्ट्रोक्स क्रिएट करते हैं उसको दिखा सकते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन स्टाइल्स को भी सीखें, इसकी बहुत डिमांड भी है मार्केट में और बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं आजकल, तो ज़रूर कोशिश करके देखिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कितने ज़्यादा आप और ऐसे ही ट्यूटोरियल और भी चाहते हो डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स के ऊपर, तो वो भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वंस।